देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी का त्यौहार। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, त्योहारों से समृद्धि और खुशहाली बढ़ने की कामनाएं की। लोहड़ी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। अपने संदेश में उन्होंने कहा, ये खास दिन सभी के जीवन को खुशियों और अच्छे स्वास्थ्य से भर दे। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक की हालत में सुधार, कार दुर्घटना के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज में करवाए गए थे भर्ती। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों पर लगाई रोक, संकट के समाधान के लिए गठित की समिति। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह को धन शोधन के मामले में किया गिरफ्तार। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.51% हुई। स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,01,29,000 से अधिक, 2,14,000 से अधिक मरीजों का चल रहा है इलाज। दुनिया भर में कोविड 19 मामलों की संख्या बढ़कर 9,19,00,000 के पार, 19,68,000 से अधिक हुआ मृतकों का आंकड़ा। नीदरलैंड में 3 सप्ताह के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन, पहले से लगा लॉकडाउन 19 जनवरी को हो रहा है समाप्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति के मामले में करेंगे जांच, गुरुवार को सिंगापुर से चीन के लिए होंगे रवाना। अब खबरें खेल जगत से। जम्मू कश्मीर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का हुआ समापन, नुब्रा एडवेंचर क्लब की तरफ से किया गया था आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल। प्रतियोगिता में 4 महिलाओं समेत 18 प्रतिभागियों ने लिया भाग। गाबा के मैदान में टीम इंडिया ने किया जोरदार अभ्यास, चोट की समस्या से बुरी तरह जूझ रही है टीम इंडिया। 4 टेस्ट मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर।